अच्छा गाइज, ऐसा है कि अब हम जा रहे हैं फाइवर की तरफ. मैं आपको फाइवर का सारा बताने लगी हूँ. फाइवर के हवाले से जिसका जो क्वेश्चन है वो अपने माइंड में रखे और मुझसे फिर साथ साथ पूछ लीजिएगा. ओके, मैं स्क्रीन यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ, आप सब देख लेंगे. मेरी अपनी प्रोफाइल है जो मैं आपको इसी से बता सकती हूँ. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ. ये मेरा जो ग्रीक्स का पोर्शन है ये वो मैंने खोला हुआ है. अब आप यहाँ पे देख लें कि ये मेरी 1 2 3 4 5 6 7 सात ग्रीक्स हैं यहाँ पर. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इम्प्रेशंस भी नजर आ रहे हैं कि कितने लोग मतलब इसको देखते हैं और किस तरह से चल रहा है. देन क्लिक कितने लोग कर रहे हैं मेरी गिग को, देन व्यूज कितने हो रहे हैं, फिर ऑर्डर्स कितने हैं, कैंसिलेशन, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं. मैं आप लोगों को एक गिग बना के भी बताऊंगी कि गिग बनाते कैसे हैं और लाइक आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गिग सही जा रही है या नहीं जा रही, या आपको उस गिग को हटा के नहीं बनानी चाहिए, या आपकी गिग मतलब सही से काम करेगी, आपको ऑर्डर आएंगे कैसे. ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ. यहाँ पे अटेंटिव रहिएगा सारे. जैसे भी मैंने कुछ भी बोला, कुछ भी पूछा और मुझे सबका जवाब ना आया ना फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे अटेंटिव बच्चे चाहिए होते हैं. खैर, अच्छा ऐसा है कि मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर चैट दिखा देती हूँ कि मुझे कैसे एक ऑर्डर मिला, मैंने कैसे उसको टैकल किया था. ऐसा है कि यहाँ पर मैं आपको इसकी पूरी चैट हिस्ट्री खोल के बता देती हूँ. अच्छा ऐसा है, मेरी क्रिएटिव राइटिंग की गिग थी. मैंने शायद ये पहले भी दिखाई हो बट अभी दिखाना जरूरी है. तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्रिएटिव राइटिंग में अच्छी हैं. मैंने कहा जी बिल्कुल. उसने कहा कि भाई मुझे इस तरह से चाहिए, एक 3 टीनएजर्स की मतलब सुपर पावर वगैरह का सीन है, तो मुझे ऐसी कुछ स्टोरी चाहिए. मैंने कहा ठीक है, ऐसा है कि 1000 वर्ड्स हो जाएंगे जो आप लिखवाना चाह रही हैं. क्योंकि स्टोरीज का ये होता है कि स्टोरीज में आप जैसे आप कह लें कि एपिसोड वाइज या पार्ट वाइज आप लिखते हो, मतलब मैंने इसे अभी 1000 वर्ड्स लिख के देने हैं और देन फिर इसको वो पसंद आएंगे देन वो नेक्स्ट अगले 1000 भी लिखवाएगी, या अगर नहीं पसंद आएंगे तो इतना अगर हो के अगर मैं इसे ना लिख के दूँ तो वही ये मेरे 1000 वर्ड्स किसी और को सेंड करेगी और उससे कहेगी कि भाई ये मुझे किसी ने लिख के दिया, अब इसी को आगे कंटिन्यू करो. ठीक है, अब ऐसा है कि उसने बताया कि भाई इस तरह से हो गया. मैंने उसे बोला कि ठीक है 1000 वर्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप और भी वर्ड्स चाहती हैं तो उसके लिए मैं ये चीज एक्सटेंड कर सकती हूँ. अच्छा देन ये है कि उसने मुझे कहा कि ठीक है अभी तक आप 1000 कर दो, आगे जाके मैंने एक सुपर हीरो लाना है. देन उसके बाद अच्छा ऐसा है कि 1000 वर्ड्स के मैं जो चार्ज करती हूँ, जो एक 2 दिन में आई थिंक लिख के देना होता है, तो उसके लिए मैं $20 चार्ज कर रही हूँ अभी. लाइक ये बहुत कम है फॉर क्रिएटिव राइटिंग, क्योंकि मैंने खुद कम रखा हुआ है. और जैसे ही मतलब उनको अगर एक दिन में चाहिए हो या उससे भी कम में चाहिए हो तो फिर वो उसी तरह से इंक्रीज हो जाते हैं. लाइक यही 1000 वर्ड्स मैं $50 में भी कर सकती हूँ, जस्ट थोड़ी सी चीजें इधर उधर करके. लाइक इसकी मैं रिविजन्स इंक्रीज करके और इसका कह लें कि मैं टाइम जो है वो थोड़ा कम करके, कि उसको अगर अर्जेंट चाहिए हो तो इस तरह से मैं ये चीजें करके तो उनकी प्राइस बढ़ा सकती हूँ. ठीक है, फिर उसने मुझसे आइडिया लिया. मैंने कहा ये हो सकता है. देन उसने पावर्स मुझे बता दी कि ये पावर्स होनी चाहिए. ठीक है, उसने क्या किया कि उसने मुझे कहा कि भाई ऑर्डर मुझे सेंड कर दो. मैंने कहा, मैंने उससे पूछा कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए थे तो मेरे पास टाइम नहीं था, दूसरा मुझे कहीं जाना भी था. तो ऐसा हुआ कि उसने कहा कि ठीक है अगले हफ्ते तक दे देना. मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं. देन मैंने उसे ऑर्डर भेज दिया. यहाँ पे देखने $20 था, मैंने उसे ऑर्डर भेज दिया, उसने वो कर लिया. और उसने कहा कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए. मैंने कहा ठीक है, मुझे अगर कोई भी सवाल आया तो आप यहीं पे होंगी या नहीं होंगी. और दूसरा ये कि मैं आपको 500 वर्ड्स का एक ड्राफ्ट रफ सा सेंड कर दूंगी पहले, ताकि अगर आपको पसंद आया या ना आया या कोई चेंजिंग चाहिए हुई तो ताकि मैं नेक्स्ट 500 वर्ड उसी के हिसाब से लिखूं. उसने कहा कि ठीक है ऐसा कर लेते हैं. अब ऐसा हुआ कि जब मैंने उसे ऑर्डर सेंड कर दिया, जब उसने रिसीव कर लिया ऑर्डर, तो उसने मेरे ऑर्डर को कंप्लीट मार्क कर दिया. ठीक है, मतलब ये होता है कि वो पहले उसको ओपन करते हैं, उनको पसंद आए तो वो कंप्लीट मार्क करते हैं, तभी वो उसके लिए रिव्यू भी देते हैं. ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे इसका रिव्यू भी दिखा देती हूँ. कहाँ पर है ये? अच्छा यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आ गई है कि इसने जो है 5-स्टार रिव्यू दे दिया है. आई वॉज लाइक कि अभी मैंने सेंड किया, इतनी जल्दी से चेक कैसे कर लिया? और वो मैंने सिर्फ तकरीबन एक लड़की की पावर उसे लिख के दी थी और वो सेंड कर दिया था मैंने उसे, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं आपको एक रफ ड्राफ्ट सेंड करूंगी. और यहाँ पे आप देख लें कि इसने मुझे रिव्यू दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, और देन इसने मुझे यहाँ पर मैसेज क्या किया है मैं आपको दिखा देती हूँ, कि इसने मुझे कहा है कि भाई
बहुत शुक्रिया आपकी फाइल का, लेकिन ऐसा है कि मैं खोल नहीं सक रही, तो आप यहाँ पे सेंड कर सकती हैं। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि ऐसा लोग करते नहीं है, लाइक आपको वो बिल्कुल भी इतना कह लें कि फ्री नहीं करवाते कि आपको मतलब बगैर वो चीज चेक की उसने मुझे पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, मैंने उसको सेंड कर दिया, उसने कहा कि जी बहुत अच्छा है, और उसने फिर पूछा मुझसे कि मैं हर मतलब मैंने एक लड़की की लिख के दी ना उसे, उसने कहा मुझे तीन है तो मुझे हर एक के लिए अलग अलग सेंड करना होगा। अच्छा, मैं अगर इसे यहाँ पे ये भी कहती कि हाँ मुझे अलग अलग आप पे करें $20-$20 हर किसी के लिए, तो ये मुझे वो भी पे कर देती, क्योंकि इसको वो चीज पसंद आई थी, अगर ना पसंद आती तो वो ये पूछती ना। खैर, मैंने इसे कहा कि नहीं बिल्कुल ऐसा, मैं सिर्फ कंफर्म करना चाह रही थी कि ऐसा है कि नहीं है। तो आप लोगों ने, मैं सिर्फ ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज को समझें कि आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि वो अगर आपको $5 कहे कि वही $5 में आप काम करके दे दो तो आप वही करने लग जाएं। तो जो चीज के जितने पैसे बनते हैं उसी हिसाब से आपने उनको कोट करना है, ये नहीं करना कि भाई नहीं मुझे तो ऑर्डर चाहिए ही चाहिए एंड ऑल। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हम केक्स बनाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल मैं बता रही हूँ तलहा, आप उसका अपनी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन का पूछ रहे हैं। अच्छा, प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं। अच्छा, प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने ऐसी चीज लिखनी है, क्योंकि बहुत छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है, आई थिंक 250 वर्ड की इसी हिसाब से होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने वो चीज लिखनी है कि लाइक जैसे आप लोग लिखे उसमें पुराना अकाउंट आपका किस टाइप का है, वो आप ऐसा करें, मैं भी आप मुझे अपना अकाउंट का लिंक सेंड करें ताकि मैं उसको रिव्यू करके आपको बता दूं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। आप उसे डिलीट करके न्यू भी बना सकती हैं या वो यूज भी कर सकते हैं, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको उसको रिव्यू करके बता दूंगी। ठीक है, अच्छा तलहा, ऐसा है कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में ये करना है कि ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि बंदा वो पढ़े। अब मैं आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ से खोल के बता देती हूँ, किधर घूमगी ये रही। ठीक है, मैं वो खोल के बता देती हूँ कि सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो लाइन है ना, ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने जी बिल्कुल, जिसका भी है ऑलरेडी वो मुझे सेंड कर दे, मैं आपको रिव्यू करके इसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जस्ट इमेजिन एन आई फैब्रिकेटेड इन टू वर्ड्स। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है और ये कोई बंदा पढ़ेगा ना वो कहेगा हाँ यार ये तो मतलब मैंने सिर्फ सोचना है, बंदी ने मुझे करके दे देना है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसी को ऑर्डर कर देता हूँ। तो इस तरह से है, और आप लोगों ने अच्छा डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है कि जैसे एक प्रपोजल टाइप होता है ना, उस तरह से आप लोगों ने लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आप ये लिखें कि मैं जो हूँ इतने सालों से जो है काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप लोगों ने मतलब ये नहीं लिखना कि आप लोगों ने पहले कभी काम ही नहीं किया हुआ। ठीक है, आप लोगों ने ये लिखना है कि भाई हाँ बिल्कुल आप जाहिर सी बात बताएंगे वहां पर, नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा फैसल वहां पे थोड़ा बहुत, तो आपने ये बताना है कि आप कंटेंट राइटर हैं इतने अरसे से या जो भी आप अपनी स्किल वहां पे डालना चाह रहे हैं। और आपने ये लिखना है कि अच्छा ये एक ट्रिक कह लें, आपने वहां पे ये लिखें कि भाई मैं जो हूँ पहले अपवर्क पे या फ्रीलांसर पे काम कर रहा था या कर रही थी, तो मैंने अभी सोचा कि मैं फाइवर पे शिफ्ट हो जाऊं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो बंदा या बंदी जो भी आपको काम देने के लिए आएंगे, वो जब आपकी प्रोफाइल पे ये देखेंगे कि हाँ यार ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है, ये पहले से इसने काम किया हुआ है, तो वो आपको फिर कंसिडर भी करेंगे। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि वहां पे मेंशन करना है कि आप पहले से काम कर चुके हो और इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, ऑल्दो कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपने ये मेंशन करना है ताकि आपको उसके ऑर्डर्स मिले। ठीक है, ये एक ट्रिक है। अच्छा, वहां पे आपने ये चीजें मेंशन कर दी। अच्छा, एक लाइन जो मैं खुद भी यूज करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ, पहले मैं गिग बना लूँ फिर मैं आपको जब वो सेंड करना होगा ना ऑर्डर्स वगैरह, तो तब हम उसमें वो ये चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, नहीं सभा इतनी डिटेल्स में कोई जाता नहीं है, इतनी डिटेल्स में कोई नहीं जाता। आप कहें कि मैं प्रीवियसली काम कर रही थी और अब नहीं कर रही या कुछ भी ऐसा, दैट डज नॉट मैटर। हाँ, आपका सभा अगर नाम है फाइवर पे तो आपका सभा ही नाम नहीं होगा अपवर्क पे, आप कुछ भी कह सकते हैं कि आपका कोई भी नाम है, व्हाटएवर, इतना वो डिटेल में जाते नहीं है। तो जैसे एक ट्रिक है,